वेलकम बैक गाइस, आज हम लोग मिरर फॉर्मूले पे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस चेक करेंगे। ये क्वेश्चंस कभी ना कभी कोई ना कोई एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। सो गाइस, व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज 12.5 सेंटीमीटर, हाउ फार इज इट सेंटर ऑफ कर्वेचर फ्रॉम द पोल एंड फ्रॉम द फोकस। हमें ये पता करना है कि एक कॉन्वेक्स मिरर है, उसका फोकल लेंथ कितना गिवन है, 12.5 सेंटीमीटर। तो हम पहले गिवन लिख लेते हैं। सो गिवन इज द फोकल लेंथ, हाउ मच इट इज, 12.5 सेंटीमीटर। अच्छा, प्लस या माइनस? कॉन्वेक्स मिरर मतलब फोकल लेंथ इज प्लस, so it will be plus. If it was like concave mirror, then you could have a minus here. Okay, now how far is it center of curvature? अब convex mirror है, मैं एक छोटा सा diagram बनाता हूँ, क्योंकि ये है हमारा convex mirror, है ना? और ये principal axis, ये वाला point है pole, ये है focus और ये है center of curvature. अब ये जो फोकस है ये कितनी दूरी पर है, 12.5 सेंटीमीटर राइट हैंड साइड, ठीक है। तो यहां तक का जो डिस्टेंस है ये 12.5 सेंटीमीटर। तो बताइए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल से कितना दूर होगा, अरे हाउ फार इज इट सेंटर ऑफ कर्वेचर फ्रॉम द पोल। पहला क्या पूछ रहा है, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना दूर होगा, आप देखते से बता सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ये वाला डिस्टेंस जो है, ये वाला डिस्टेंस ये डबल होता है फोकल लेंथ का, है ना? और ये वाले डिस्टेंस को क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक के डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। एंड वी नो दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर radius of curvature is double the focal length, है ना? The radius of curvature is double of the focal length, so we can write that PC is equals to 2 into PF. PC is equals to 2 into PF. Okay, now what is PF? PF is the focal length. PF is the focal length. So what is the focal length? Focal length is 12.5. So PC is equal to 2 into 12.5 centimeter, and that gives us 25 centimeter. So what is the distance of center of curvature from pole? 25 centimeter. So you can write, therefore the center of curvature is at plus 25 centimeter from the pole. Okay, so guys, आप लोगों को अगर ये विजुअलाइज करते आएगा तो आप लोग ओरली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आइए अब हम चेक करते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि हमें फाइंड करना है सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस। देखिए यहीं पर फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस कितना होगा। सो गाइस, व्हाट इज द सेकेंड? सेकेंड है कि फ्रॉम द फोकस, आप खुद चेक करते हैं कि पी से सी डबल होता है पी से एफ का, मतलब जितना पी एफ है उतना ही एफ सी है। ओके, सो यू कैन राइट द आंसर लाइक द फ्रॉम द फोकस, फ्रॉम द focus the center of curvature, the center of curvature is how much, how much this is equals to, this is 12.5 centimeter away on the right hand side, on the right hand side. Okay, so let us move on to the next question.
So, this is the next question. And guys, this question was asked in 2014. Okay, CBSE. So guys, let us have a look on the question. That is, a concave mirror of focal length 15 centimeter can form a magnified, erect as well as inverted image of an object placed in front of it. यहाँ तक मैंने पढ़ लिया है। इसका मतलब है कि एक कॉनकेव मिरर है, उसका फोकल लेंथ भाई 15 सेंटीमीटर है और उसके सामने हम जब भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वो मैग्नीफाइड इमेज भी बनाता है, इरेक्ट भी बनाता है और इन्वर्टेड भी बनाता है। ठीक है, तो जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट स्टेटिंग द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब आप ये बताइए कि कौन से पोजिशन पे वो मैग्निफाइड, इरेक्ट और इन्वर्टेड इमेजेस बना सकता है। ठीक है, ये आपको बताना है, तो हमें इसका पोजीशन बताना है। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू द पोल, ऑब्वियसली जो डिस्टेंस होगा वो तो हर बार विथ रिस्पेक्ट टू पोल ही होगा। ठीक है, अब मैं पहले कॉनकेव मिरर बना लेता हूँ। मान लीजिए ये हमारा कॉनकेव मिरर है, क्योंकि लाइट हमेशा ये साइड से आएगी, लेफ्ट हैंड साइड से, सो दिस विल बी अवर पोल। मान लीजिए दिस इज द फोकस एंड दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने आपको बताया है कि द कॉनकेव मिरर जो है बेटा हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करेगा। एवरी टाइम द कॉनकेव मिरर विल प्रोड्यूस ए रियल एंड इन्वर्टेड उल्टा इमेज। ठीक है, बट एक्सेप्ट वन केस, एंड व्हाट इज दैट केस? दैट इफ द ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन F एंड P, इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन द फोकस एंड पोल, देन वी गेट द इमेज ऑन द राइट हैंड साइड, देन वी गेट द इमेज एज इरेक्ट, वी डोंट गेट द इमेज एज इनवर्टेड, है ना? ये एक केस के अलावा बाकी सारे केसेस में कॉनकेव मिरर कौन सा इमेज फॉर्म करेगा? इनवर्टेड एंड रियल। बट एक्सेप्ट दिस केस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन, यहां देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एफ एंड पी। सो व्हाट डू वी नो? दैट हम यहां से एक रे बनाएंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और ये पैरेलल है जो रिफ्लेक्ट होगा फोकस से। एक हम ऐसा बना लेते हैं ऑब्लिक वाला, तो जितने एंगल से आया है उतने एंगल से वापस जाएगा। हम देखते हैं कि भाई ये दोनों रे कभी नहीं मिलने वाली इधर, तो हम इसे पीछे मिला देते हैं और हम इमेज यहां फॉर्म करवा देते हैं। और आप चेक करते हैं कि जब भी इमेज राइट हैंड साइड में फॉर्म होती है उसे हम क्या कहते हैं? इरेक्ट। और सीधी है या उल्टी है? सीधी है, इसलिए वर्चुअल। अगर यहां बनी होती इस हैंड पे और उल्टा होता तो रियल एंड इनवर्टेड। सो हम पहला पॉइंट क्या लिखेंगे इसके आंसर में? कि हाँ भाई, इरेक्ट इमेज तो बनाता है, इरेक्ट एंड मैग्निफाइड। कब बनाएगा? जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाएगा? एफ और पी के बीच में। तो पहला पॉइंट हमारा ये हो जाएगा, मैं पढ़ रहा हूं, लिखना आपको है। पहला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा कि द इमेज सॉरी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, पहला पॉइंट है इस आंसर का, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड पोल द इमेज प्रोड्यूस्ड इज मैग्निफाइड एंड इरेक्ट। ओके, सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, व्हाट विल बी द सेकेंड पॉइंट? हमने मैग्निफाइड और इरेक्ट का काम तो कर दिया, इन्वर्टेड का बचा हुआ है। मुझे बताइए, हम अब कहीं भी रखें फोकस के पहले, कहीं भी इमेज को रखें, ऑब्जेक्ट को रखें, हमारा इमेज तो इन्वर्टेड ही आने वाला है। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा? हम सी और एफ के बीच मान लेते हैं, क्योंकि हमें मैग्निफाइड भी चाहिए, इन्वर्टेड और उल्टा और ज्यादा बड़ा मैग्निफाइड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? अब हम अलग अलग केसेस चेक करेंगे कॉनकेव मिरर के। बचे कितने केस? पांच। पांच पांच में से एक केस आपको मिलेगा जब हमने ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखा है। ठीक है, और सी और एफ के बीच में रखेंगे, सी और एफ के बीच में रखेंगे तो हमें जो इमेज मिलेगा वो इन्वर्टेड मिलेगा और मैग्निफाइड मिलेगा। तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा इसके आंसर का? कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, देन द इमेज
produced will be real and inverted and also magnified, because in both the cases we need magnified image according to the question. Okay, so that is what you have to write. Let us move on to next question. और ये question जितने मैं आज करवा रहा हूँ आप लोगों को, ये सब कभी ना कभी कोई ना कोई exams में आए हैं, ठीक है? So guys, note it down. So guys, this is one of the most interesting and frequently asked question. जो आप अभी अपने screen पे check कर रहे हैं, क्या लिखा हुआ है? An object is kept in front of a concave mirror of focal length 20 centimeter. तो भैया कुछ समझे या ना समझे, ये जो समझ में आ गया है कि focal length कितना है? 20 centimeter. तो आइए सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि focal length कितना? 20 centimeter. कौन सा मिरर है? अगर कॉन्वेक्स है तो प्लस, कॉनकेव है तो माइनस. देखिए मैं बार बार आपको ये रिवाइज इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि एक माइनस और एक प्लस से आपका पूरा प्रॉब्लम गलत हो सकता है. सो कौन सा मिरर है? कॉनकेव. तो कौन सा साइन आएगा? माइनस. ओके, नाउ द इमेज इज थ्री टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. मतलब आपको पता है एच मतलब क्या होता है? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. और एच डैश क्या होता है? साइज ऑफ इमेज. अब वापस से पढ़िए, द इमेज इज थ्री टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. मतलब इमेज तीन गुना ज्यादा है ऑब्जेक्ट के साइज से. तो मैं एक तरफ ऑब्जेक्ट लिखता हूं और एक तरफ इमेज लिखता हूं. अब बताइए कौन बड़ा है, ऑब्जेक्ट बड़ा है या इमेज बड़ा है? द इमेज इज थ्री टाइम्स, इमेज तीन गुना बड़ा है. तो छोटा कौन है? ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट मतलब, समझ में आया? दिस इज हाउ इट गोज. नाउ नेक्स्ट ऑल्सो हम इसे एक और चीज लिख सकते हैं. हम इसे क्या लिख सकते हैं कि भाई 3 इज इक्वल्स टू एच डैश अपॉन एच. And now you know what is h dash upon h? Magnification. And now what is magnification? Magnification is the ratio of the size of image to the size of object. So, हमारा 3 क्या आ गया? Magnification. अब आगे पढ़ते हैं. Calculate 2 possible distances of the object from the mirror. मतलब हमें ऐसे दो डिस्टेंसेस निकालना है जब हमारा मैग्निफिकेशन 3 आए. तो आप लोगों को एक बात याद रखनी है, सॉरी, वह है ये कि रियल इमेज जब भी रियल इमेज बनेगा याद रखिए मैग्निफिकेशन हमेशा माइनस होगा, और जब भी वर्चुअल इमेज बनेगा तब m कैसा रहेगा? प्लस. ठीक है, याद हो जाएगा. इफ देयर इज अ रियल इमेज प्रोड्यूसिंग द मैग्निफिकेशन विल बी नेगेटिव एंड वर्चुअल इमेज में मैग्निफिकेशन विल बी पॉजिटिव. वी डोंट नो कि यहां पे कौन सा इमेज बन रहा है, रियल बन रहा है या वर्चुअल बन रहा है. तो हम दोनों केसेस लेंगे, ठीक है, एक रियल के लिए और एक वर्चुअल के लिए. और आपको पता है मैग्निफिकेशन हमें गिवन है 3, पर जब हम पहले बात करेंगे रियल इमेज की, ठीक है, ये हमने गिवन लिख लिया, ये हमने समझ लिया है. अब मैं यहां लिखूंगा फॉर रियल इमेज. मैं पहले किसकी बात कर रहा हूं? रियल इमेज, क्योंकि कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है, और कॉनकेव मिरर रियल इमेज भी बनाता है और वर्चुअल इमेज भी बनाता है. आपको पता है कौन से केस में वर्चुअल बनाता है? वो क्वेश्चन इसके पहले के पहले सॉल्व किया था हमने. नेक्स्ट, सो फॉर रियल इमेज हमारे पास में फॉर्मूला क्या है? हमारे पास में फॉर्मूला है m, गिवन क्या है? m इज इक्वल्स टू b माइनस b अपॉन u, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल्स टू 3. पर कौन सा इमेज? रियल इमेज. रियल इमेज में m कैसा रहेगा? नेगेटिव. तो -3. देखिए ये माइनस आपको क्वेश्चन में गिवन
नहीं है, आपको खुद से समझ के लगाना है कि रियल इमेज है तो मैग्निफिकेशन कैसा आएगा, माइनस में। नाउ अब हमको इससे क्या मिल जाएगा, इससे हमें मिल जाएगा कि माइनस वी अपॉन यू इज इक्वल टू माइनस थ्री। सो हमको इससे मिल जाएगा कि वी इज इक्वल टू थ्री यू मिलेगा, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली वी इज इक्वल टू थ्री यू लिख रहा हूं, तो हमें क्या मिल जाएगा, वी इज इक्वल टू थ्री यू, ठीक है। अब हमें जब ये मिल गया कि वी इज इक्वल टू थ्री यू, अब हम लगाएंगे इसमें मिरर फॉर्मूला। बाई यूजिंग मिरर फॉर्मूला वॉट डू वी हैव, वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ, ठीक है। सो वी की जगह मैं थ्री यू लिख दू, ठीक है, तो मैं लिखूंगा वन अपॉन थ्री यू प्लस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ, कितना है, माइनस ट्वेंटी, ठीक है। दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, थ्री यू ऑब्वियसली। इसके बाद का स्टेप मैं यहां लिख रहा हूं, थ्री यू ये जाएगा वन प्लस थ्री इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन ट्वेंटी, और आप इसे सॉल्व करें। प्लीज नोट दिस थिंग्स बिकॉज इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो व्हाट इज नेक्स्ट गाइस, आफ्टर दिस वी हैव फोर अपॉन थ्री यू इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन ट्वेंटी। सो यू हैव फोर इंटू ट्वेंटी अपॉन थ्री इज इक्वल टू यू, और यहां माइनस है ना, आपने क्या किया, यू को ऊपर लेकर चले गए, माइनस को इधर ला लिया, ट्वेंटी को ऊपर ला लिया, थ्री को नीचे के नीचे ही रह ले लिया। तो इसे अगर आप सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा माइनस एटी अपॉन थ्री सेंटीमीटर इज योर यू। तो आपको पहला पोजिशन मिल गया माइनस एटी अपॉन थ्री। अगर आपका ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है ना, यू मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहां पर रखा हुआ है, तो आपको जो इमेज मिलेगा वो कैसा मिलेगा, वो मिलेगा रियल इमेज, ठीक है। अब हम काम करते हैं इन्वर्टेड सॉरी वर्चुअल इमेज के लिए। तो गाइज आई होप आपने ये लिख लिया है, ठीक है, और ये लिखने के बाद में अब देखिए ये कैसे चेंज हो जाए। अब हम बात कर रहे हैं फॉर वर्चुअल इमेज, पर आप बताए वर्चुअल इमेज में मैग्निफिकेशन प्लस हो जाता है, माइनस नहीं होगा, इसलिए ये माइनस को हटा दीजिए। तो अब हमें ये इक्वेशन क्या मिलेगा, ये माइनस तो जैसा का वैसा रहेगा, एम का फॉर्मूला है माइनस वी बाय यू, मैं दोबारा लिख लेता हूं, ठीक है। क्या फॉर्मूला बेटा एम का, माइनस वी बाय यू, और मैग्निफिकेशन कितना है थ्री, पर हम वर्चुअल इमेज की बात कर रहे हैं इसलिए यहां प्लस आ जाएगा। तो हमें इससे क्या मिलेगा, माइनस वी बाई यू इज इक्वल टू थ्री, एंड इससे हमें मिलेगा देयरफोर माइनस वी इज इक्वल टू थ्री यू एंड वी इज इक्वल टू माइनस थ्री यू, वी इज इक्वल टू माइनस थ्री यू आपको यहां से मिल गया। तो मैं डायरेक्ट वही लिख रहा हूं, वी इज इक्वल टू माइनस थ्री यू। अगेन बाई यूजिंग द मिरर फॉर्मूला व्हाट डू वी हैव, वन अपॉन वी plus 1 upon u is equal to 1 upon f. Now what is v? Minus 3u plus 1 upon u. 1 upon minus 20. अब इसे सॉल्व करेंगे हम उसी तरीके से, क्या मिलेगा हमें, एलसीएम तो हो जाएगा 3u, ठीक है। तो यहां से मिलेगा माइनस वन प्लस थ्री, और यहां मिलेगा 1 अपॉन 20 माइनस, ठीक है। Now, ये हो जाएगा प्लस टू अपॉन थ्री यू इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन ट्वेंटी, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यू को इधर अलग लेकर जाए, ये ट्वेंटी आ जाएगा, टू इंटू ट्वेंटी ये माइनस को इधर ला लीजिए और थ्री को यहीं रहने दीजिए, देयरफॉर आपको यू मिलेगा माइनस फोर्टी अपॉन थ्री सेंटीमीटर। तो आपको पहला वाला मिला था माइनस एटी बाय थ्री, और अभी मिला माइनस फोर्टी बाय थ्री। इसका मतलब है अगर आप माइनस एटी बाय थ्री पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को, तो आपको कैसा इमेज मिलने वाला है, रियल,
और अगर आप इतने डिस्टेंस पे रखेंगे -40/3 पे तो आपको कैसा इमेज मिलेगा, वर्चुअल। सो हमें दो पोजीशन मिल गई, एक -80/3 एंड एक -40/3। सो योर फाइनल आंसर विल बी क्या हो जाएगा, कैलकुलेट द टू पॉसिबल डिस्टेंसेस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि द फाइनल आंसर आपका हो जाएगा द टू पॉसिबल डिस्टेंसेस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर आर -80/3 cm एंड -40/3 cm। सो दिस इज द लास्ट स्टेटमेंट गाइस दैट यू हैव टू राइट। आई होप यू आर एंजॉयिंग इट, प्लीज नोट इट डाउन। सो गाइस this is going to be the last question for today's episode, and this type of questions you are going to get in the board examinations, and this is just a glimpse of what you are going to get. Please guys, solve as much as problem as much as you can from mirror, because iske baad hum log jab lens pe kaam karenge तो लेंस के प्रॉब्लम और इससे इसे खराब नहीं है, इससे हार्ड नहीं है, पर आपको बस ये याद रखना है कि कब फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा। अब आपको ये वाला प्रॉब्लम चेक करके समझ में आएगा कि ये हमें क्या कह रहा है। ए स्फेरिकल मिरर प्रोड्यूसेस एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन -1। मतलब एक स्फेरिकल मिरर है, कौन सा मिरर है, कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है हमें नहीं पता, हमें सिर्फ कहा गया है स्फेरिकल मिरर है विच इज प्रोड्यूसिंग एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन -1 ऑन स्क्रीन विच इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 cm फ्रॉम द मिरर। मतलब आप लोगों को एक स्क्रीन पे इमेज मिलेगा कि ऑब्जेक्ट मिलेगा, बताइए। व्हाट डू यू गेट ऑन स्क्रीन? यस, स्क्रीन पे हमें हमेशा इमेज मिलेगा। तो ये हमारा वी है, ठीक है। अब फ्रॉम द मिरर, और आप एक और चीज चेक करिए कि द स्फेरिकल मिरर प्रोड्यूसेस एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन -1। तो मैं यहां लिखता हूं गिवन, थोड़ा ध्यान से देखिए, मैग्निफिकेशन कितना गिवन है -1। ऑल्सो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है -V/U, सही बात है। सो -V/U में हमने m का वैल्यू -1 पुट कर दिया, तो हमें मिलेगा -V/U, एंड हियर ये माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, U इज इक्वल टू V, ठीक है। देखिए ये हमें गिवन नहीं है, ये हमने मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले से निकाला भाई, ठीक है। तो U इज इक्वल टू V। अब ये क्या कह रहा है कि स्क्रीन जो कि 50 cm दूर है, स्क्रीन पे क्या मिलेगा हमें, अभी मैंने बताया है इमेज, तो स्क्रीन जितनी दूर है वही हमारा इमेज का डिस्टेंस हो गया, ठीक है। और इमेज का डिस्टेंस मतलब V भी हमें गिवन है, कितना, 50 cm। अच्छा, स्क्रीन को कहां रखा गया है, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, ये हमें पता नहीं है, पर हम ये जरूर बता सकते हैं कि भाई रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है। आप बताइए रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है, कैसे पता चलेगा कि रियल इमेज फॉर्म हो रहा है या वर्चुअल इमेज? तो बेटा मैंने अभी आपको लिखवाया था कि मैग्निफिकेशन माइनस है मतलब रियल इमेज फॉर्म कर रहा है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है मतलब वर्चुअल इमेज फॉर्म कर रहा है, मैग्निफिकेशन कैसा है, नेगेटिव, मतलब कौन सा इमेज फॉर्म हो रहा है, रियल इमेज। और रियल इमेज किस तरह फॉर्म होता है, राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा, और लेफ्ट हैंड साइड में इमेज बनेगा तो लेफ्ट हैंड साइड में इमेज का डिस्टेंस हम पॉजिटिव में लेंगे कि नेगेटिव में लेंगे, नेगेटिव में। सो वी इज नेगेटिव, सो वी विल बी नेगेटिव। समझ में आ रहा है, ये बात क्लियर हुई?
देखो हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे मैग्निफिकेशन प्लस है या माइनस है। मैग्निफिकेशन माइनस है मतलब रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज आर ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिरर, एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड अगर इमेज फॉर्म हो रहा है तो इमेज का डिस्टेंस हम माइनस में लेंगे, दैट इज वी इज माइनस। और हमने यहां क्या लिखा है, यू इज इक्वल टू वी, सो वी इज इक्वल टू माइनस 50 सेंटीमीटर इज इक्वल टू यू, तो हमें यू और वी दोनों मिल गया। ये लेवल है आपके सीबीएसई के क्वेश्चन का, है ना। और मुझे समझ में नहीं आता है कि कैसे कैसे बिजनेस ट्रिक्स में आप जैसे समझदार लोग फंस जाते हैं, है ना। और आप लोगों को ऐसे समय समझ में आएगा जब तक समय हाथ से जा चुका होगा और बहुत सारी चीजें हाथ से जा चुकी होगी। खैर कोई बात नहीं, अगर आप इस वीडियो को चेक कर रहे हैं तो आई होप यू आर सेफ। नाउ वापस आते बेटा यहां पर चेक करो, वी और यू हमें मिल गया। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, राइट द टाइप ऑफ ए मिरर। अब आप मुझे बताइए कि कैसा इमेज फॉर्म होना है, रियल एंड इन्वर्टेड। हमें पता है कि कॉन्वेक्स मिरर कभी रियल इमेज फॉर्म ही नहीं करता, है ना। कॉन्वेक्स मिरर के हमने दो केसेस ही पढ़े हैं क्योंकि दो ही है और वो दोनों में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बना रहा है, तो बचा कौन सा मिरर। तो हमारा पहले का आंसर क्या हो गया, दैट द टाइप ऑफ मिरर इज कॉनकेव मिरर। क्लियर। अब कॉनकेव मिरर है तो आपको पता चल गया फोकल लेंथ कैसी होगी, नेगेटिव, है ना, क्योंकि कॉनकेव मिरर है। तो सेकेंड, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। मतलब ये बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस फाइंड करनी, कैसे निकालेंगे बताइए, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो हम इसमें बेटा फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट वाला जो प्रॉब्लम है ये मैं आप पे छोड़ रहा हूं, ठीक है। और मैं एक लिंक शेयर करूंगा उसमें इसका आंसर होगा प्रॉपर, या फिर अगर अभी आ जाए तो और अच्छी बात है, ठीक है। वो 100 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है, पर कैसे आएगा ये मैं आप में छोड़ रहा हूं ताकि आप लोगों के और छोटी छोटी चीजें क्लियर हो जाए। थर्ड, व्हाट इज द फोकल लेंथ। ओ माय गॉड, दिस इज एज सिंपल एज अ फॉर्मूला, 1/f = 1/v + 1/u, एंड यू नो व्हाट इज v एंड व्हाट इज u, both are minus 50, put the minus 50 here, put the minus 50 here and you will get the 1/f, and what aapko ye solve karne ke baad kya milega, aapko ye solve karne ke baad bhi milega 1/f = -1/25। aap solve kariye aur isse match kariye, aisa answer aa raha hai, aur isi ko ulta kar denge to kya milega, therefore f = -25 cm। itna jo aap kar sakte hain, तो आपको फोकल लेंथ मिल जाएगा -25 सेंटीमीटर। देखिए आया बरोबर माइनस में, ऑटोमेटिकली माइनस में आएगा क्योंकि हमें पता है कौन सा मिरर है, कॉनकेव। अब फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर, वी और यू -50 सेंटीमीटर, तो हम क्या बनाएंगे, रे डायग्राम। कौन सा मिरर है भाई, कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर बनाए इधर। हमें पता है ये पोल है और फोकस, अब देखिए आप जब भी यहां फोकस को मार्क करेंगे आपको प्रॉपर स्केल से मेजर करना है, और अगर आप 25 सेंटीमीटर नहीं बना सकते तो स्केल कन्वर्ट कर दीजिए, 5 सेंटीमीटर का 1 सेंटीमीटर मान लीजिए, तो 25 का कितना हो जाएगा, 5। तो ये मैंने यहां से 5 पे बना लिया फोकस और यहां से सेंटर ऑफ कर लीजिए, ठीक है। अब ये है बेटा 25, यह बेटा 50, और क्योंकि पोल से लेफ्ट हैंड साइड में है इसलिए माइनस, है ना, तो 25 50, और हमारा v, हमारा u भी वहीं पर है, तो u कहाँ है, है ना। और आप मुझे बताइए यहां से एक रेंज आएगा ऐसा पैरेलल, और एक यहां से पास होगा फोकस से, मैं यहां से अब एक ऑब्लिक वाला बना के भी इधर जोड़ सकता हूं या एक फोकस से पास करवा देता हूं,
और मैं देखता हूँ कि ये यहाँ मिल रहा है और फिर ये हमारा इमेज यहाँ फॉर्म हो रहा है ना। तो सी पे अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज भी सी पे ही फॉर्म होता है, हमने इस क्वेश्चन से साबित कर दिया। यहाँ एरो बनाना ना भूले। सो ए बी इज द ऑब्जेक्ट एंड ए डैश बी डैश इज द इमेज एंड दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन नीड्स टू बी डन। फॉर एनी क्वेरीज एंड एनी प्रॉब्लम यू नो हाउ टू कॉन्टैक्ट मी। हर हर महादेव।